बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। वेलकम कहेंगे आपको प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और एपिसोड में। और नाज़रीन, आप लोग हमारा चैनल यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप लोग हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे ब्राइस्टार टीवी के नाम से। जो कोई भी कॉन्टेंट हमारे पास होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो पाकिस्तान में किसी स्टूडेंट की अचीवमेंट के बारे में हो या फिर किसी एम्प्लॉय की अचीवमेंट के बारे में हो, तो आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी बिल्कुल, फीडबैक देने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग अवेलेबल हैं ब्राइस्टार टीवी के नाम से। और ज़रूर हमें बताइएगा कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है और इसकी जो स्टोरीज़ हैं उसके बारे में भी। और सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान में अखलाकियात के बारे में अगर हम बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें जो कि इस्लामिक शरीयत के अंदर, इस्लामिक लॉ के अंदर होनी चाहिए, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास 72 सालों से अब तक हम अभी पेशरफ्त कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए कि हमारे मुल्क में वो तमाम चीज़ें, वो इखलाकियात जो हमें इस्लाम सिखाता है, वो हमारे मुल्क में आ जाए। लेकिन अफसोस के साथ आज एक खबर आपसे शेयर करेंगे कि रावलपिंडी में, आप सब जानते हैं मोस्टली हम लोग भी, कि एक ऐसा जोड़ा, एक मियाँ बीवी को पकड़ा गया है जो कि एक नहायत ही भयानक काम में मुलव्वस थे। वो क्या करते थे शाहज़ेब? वो करते यूँ थे कि कुछ लड़कियों की जो तालिबात हैं या कोई ख़वातीन हैं, उनको बहला फुसला के या ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने घर लेके आते थे और ज़बरदस्ती तशद्दुद करते थे और गलती कह लें या बदफेली करके, उस ज़्यादती करके ख़वातीन के साथ, वो उनकी वीडियोस बना के बेचते थे बाहर के मुल्कों में। हाँ। कुछ एक खास इंडस्ट्री है, उसको वो सेल करते थे। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें मज़ीद अगर मैं डिटेल शामिल करूँ इसी वाक़े के हवाले से, तो नाज़रीन आपको बताएँ कि रावलपिंडी पुलिस ने एक ऐसे जोड़े को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो कि मुबैना तौर पर दर्जनों बच्चियों और नौजवान लड़कियों के अगवा, इनके साथ जिंसी ज्यादती और इनकी बरहना वीडियोस बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करने में मुलव्वस थे। पुलिस ने हाल ही में मुलजमान के खिलाफ एक मुतासरा लड़की की मुदैयत में FIR भी दर्ज करवा दी है। सो ये एक वाक़या है जिसमें इस लड़की के लिए इन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है। और पुलिस तर्जमान सैयद बाकर हमदानी ने यह भी बताया है कि पुलिस को लड़कियों के साथ जिंसी ज्यादती के इन दर्जनों केसेस का इल्म 3 अगस्त को MSc की तालिबा के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद दौरान तफ्तीश हुआ था। जी बिल्कुल, और ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि उस लड़की जो मुतासरा लड़की को, एक लड़की उसके पास आई कॉलेज जो कि गॉर्डन कॉलेज है रावलपिंडी में, वहाँ पे वो लड़की ने कहा जी कि मेरा भाई आ रहा है और जहाँ आपने जाना है मैं भी वहीं जा रही हूँ, तो मेरा भाई को लोकल ट्रांसपोर्ट रोक लेगा तो हम दोनों उसमें सवार हो जाएंगे। लेकिन वो तालिबा महसूस हुई उस मुतासरा लड़की को, तो हुआ ये कि वो जब जैसे ही वो लड़का उसके पास आया उसका भाई गाड़ी में, तो उन्होंने उसको धक्का दिया लड़की को गाड़ी, लड़की ने धक्का दिया उसको अंदर पिछली वाली सीट के ऊपर जो है वो गिर पड़ी। उसके बाद दरवाज़ा बंद करने के बाद जब गाड़ी चली तो उसके बाद अपने बैग में से छुरी निकाल कर या चाकू आप कह सकते हैं, उसको डराया धमकाया और उसका जो हस्बैंड था उसने उस लड़की को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। बिल्कुल, और घर ले जाकर गुलिस्तान कॉलोनी में जहाँ उनकी रिहाइश थी, एक पोश एरिया जहाँ पे पुलिस के मुताबिक उन दोनों मियां बीवी का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा, किसी ने आज तक कंप्लेन नहीं की उस बारे में। लेकिन इस सब के बावजूद वो एक घिनौना काम कर रहे थे अपने घर में और इस खातून ने एक हिम्मत का मुजाहरा किया। जैसे ही उसको उन्होंने रिहा किया और रिहा करने से पहले धमकी भी दी कि अगर आपने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की तो हम आपको, आपके खानदान, आपके बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे सब के बावजूद खातून बहुत ही कूफत का शिकार है। उनका ये कहना था कि मैंने फौरन अब घर जाके अपने वालिद, अपने शोहर को बताया इस बात के बारे में, और उनका ये कहना था कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं खुदकुशी कर लूँ, अपने आप को इतना मैं मुतासरा चुके हो चुकी हूँ, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इन सब के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूँगी, मैं करूँ उनके पास जाऊँगी। पुलिस के पास वो गई और पुलिस से उन्होंने बाकायदे तौर पर शिकायत दर्ज। और इम्पॉर्टेंट बात भी ये है मोइन, होता ये है कि जब लड़कियों के साथ इस तरह के केसेज होते हैं, अब धमकाया डराया जाता है और उनके साथ जिंसी ज्यादती करने की कोशिश की जाती है, तो बाद में मेंटली वो इतनी अपसेट हो जाती हैं कि अब इतना टाइम जब वो घर रहती हैं या फिर अपने वालदैन को बताती हैं तो उनको ये होता है कि सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो खुद से तो कोई स्टेप नहीं लेता, उनको लोग डर जाते हैं। एक तो होता है कि हमें मे भी घर वाले भी सपोर्ट ना करें बदनामी का डर से, एक अलग से। लेकिन ये तो अगर आपके घर वाले कोऑपरेटिव हैं, तो जिस तरह उनके उनके वालिद ने कहा कि मैं अपनी बेटी की फुल सपोर्ट करता हूं, उन्होंने उनके साथ जाके पुलिस में मुकदमा दर्ज, और पुलिस का यहाँ पे बहुत अच्छा किरदार है कि पुलिस ने न सिर्फ उनकी बात सुनी, उन्होंने उन लोगों को पकड़ा और दौरान तफ्तीश पता चला कि तकरीबन 45 लड़कियों के साथ वो ज्यादती कर चुके हैं और मजीद कोई हजारों तस्वीरें भी उनको ऐसी मिली जिससे वो लोगों को ब्लैकमेल भी करते थे। लेकिन पुलिस ने इस बात को सीरियस लिया और उन लड़कियों की निशानदेही भी की जो कि पहले मुतासर हो चुकी थी, और उनकी मुदैयत में ना सिर्फ पुलिस खुद इस केस में मुदई बनी, और उनका कहना था कि हम जल्द अज जल्द मुलजिमान को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, और उम्मीद है कि आइंदा ऐसे कोई भी शख्स इस किस्म की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं करेगा। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट।
جی ناظرین ویلکم بیک ان دا پروگرام، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی اچیومنٹ کے حوالے سے بھی ایک خبر پروگرام میں شامل کیے دیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی امپائر علیم ڈار نے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کرنے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ آئی سی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے علیم ڈار کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کیونکہ اسٹیو بکس ایک مثالی امپائر تھے اور انہوں نے اسٹیو بکس کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، میں خدا، آئی سی سی، پی سی بی اور میرے کوچ اور خاص طور پر میری فیملی کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے میں نے اسٹیو بکس کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ ایک انتہائی عاجزی سی اسٹیٹمنٹ انہوں نے پیش کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ سے ایک کھلاڑی بنوں، ایک کرکٹر بنوں، لیکن سم ہاؤ میں کر نہیں سکا۔ ان کی کچھ ہسٹری کی بات کریں تو گجراوالہ میں پیدا ہوئے 32 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے اپنے امپائرنگ کیریئر کا آغاز کیا، اور آغاز تھا پاکستان اور سری لنکا کے ایک روزہ میچ سے، اور اس کے بعد ان کا ڈھاکہ میں انگلینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ بطور امپائر ان کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے والد جو کہ پولیس میں تھے اور مجھے ہمیشہ آئی ہیو ٹو ٹریول کرنا پڑتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے کرکٹ کا کریئر تو وہ نہیں پرولونگ کر سکے۔ لیکن انہوں نے یہ سوچا، وہ کہتے ہیں نا موہن، کہ جب آپ کو پیشن ہوتا ہے نا کسی اسپیسیفک فیلڈ کا تو اس سے آگے بھی اس کی سب برانچز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کوئی ایکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ سنگر بننا چاہتے ہیں تو آپ نہیں بنتے، لیکن آپ میڈیا میں آ جاتے ہیں، آپ کوئی اینکر بن جائیں، یا پھر آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایجوکیشن کی بات کر لیں تو اگر آپ کا کرائیٹیریا یا آپ شروع سے یہ اسپائر کرتے ہیں کہ میں نے ٹیچر ہی بننا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیچر نہ بنیں، آپ کوئی ایڈمن بن جائیں، لیکن آپ یونیورسٹی میں ہیں تو وہ یہ کنیکٹڈ رہتا ہے بندہ تمام چیزوں کے ساتھ۔ ایٹ لیسٹ ہے، یعنی کہ آپ کی جو اسپیشلٹیز ہیں، سم ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ بہتر ہوں، لیکن آپ سے بہتر خدا کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں کیا، اور یہی علیم ڈار نے کیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ پیشنٹ اتنے ہیں ان کی، کیونکہ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، تو ان کی بھی جو بیوی ہے ان کا بھی ہاتھ ہے۔ ان کا اس طرح سے ہے کہ ڈیورنگ میچ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اچھا، اور اس طرح کی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح قمر الزمان کا آ رہا ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ ان کو فوراً پریس کانفرنس کے دوران ہی بتا دیا کسی صحافی نے کہ یہ حادثہ پیش ہے، اور وہ فوراً ڈسٹرب ہو کے وہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ لیکن جب ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بیوی نے ان کو فون تک نہیں کیا، تاکہ انہیں پتا تھا کہ جس طرح سے یہ غم انگیز خبر وہ سنیں گے تو ان کو کچھ پرابلم ہوگی، مے بی وہ میچ چھوڑ کے واپس آ جائے۔ تو انہوں نے بتایا نہیں، ان کو میچ ختم ہونے کے بعد ان کو پتا چلا، تب تک وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر چکے تھے۔ تو یہ ان کا پیشن تھا اپنا بھی، اور ان کے گھر والوں کی سپورٹ بھی تھی۔ صحیح، اور سپورٹ جب ساتھ ہوتی ہے تبھی آپ کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ مزید آپ کو علیم ڈار کی جو اچیومنٹ ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امپائرنگ کے اس بلند معیار کی وجہ سے وہ 3 بار آئی سی سی کے بہترین امپائر کا ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امپائرنگ کے شعبے میں اپنا لوہا منوانے کے لیے کم از کم 6 سال درکار ہوتے ہیں، لیکن وہ خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے یہ ریکارڈ 1 سال کے اندر ہی توڑ دیا۔ جی بالکل، اور علیم ڈار نے 2007 اور 2011 کے عالمی کپ کے فائنل میچز میں امپائرنگ بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2007 کے فائنل میں کم روشنی کے باوجود کھیلے جانے والے کھیل جاری رکھنے کے تنازع میں انہیں اور دیگر امپائرز کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے بعد انہیں جو پہلا T20 ورلڈ کپ انہیں امپائرز کے فائنل میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن مجموعی طور پر ان کا جو کیریئر ہے وہ بہت ہی شاندار رہا، اور وہ اس سے بڑے مطمئن ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اکثر کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا کوئی سائڈ بزنس بھی ہوتا ہے، یو نو، تو ان کا بھی ایک سائڈ بزنس ہے۔ لاہور میں ان کا ریسٹورنٹ ہے ڈار ڈیلائٹس کے نام سے۔ اچھا، جب بھی آپ وہاں پہ جائیں گے آپ کو ایک سپورٹس کا ایمبیانس، یعنی کہ اپنا ڈار ڈیلائٹس، تو یعنی کہ یہ کہ وہاں پہ بڑا اچھا ایمبیانس ہے۔ اگر آپ کا بھی چکر لگے لاہور میں وابڈا ٹاؤن میں، تو وہاں پہ ان کا ریسٹورنٹ بھی آپ ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں بیسیکلی یہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے واحد امپائر جو کہ انٹرنیشنل طور پہ وہ جانے جاتے ہیں، اور اب تو ریکارڈس بھی برابر کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس طرح ان کو دیکھتے ہوئے ان کی تقلید میں کچھ اور لوگ بھی نکلیں گے، وہ بھی امپائرنگ میں اور کرکٹ کے باقی جو میدان ہیں وہاں پہ اپنا نام روشن کریں گے، نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے ناظرین، اور مے بی آپ ان میں سے ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی ہسٹری کی بات کی جائے۔ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو رومن امپائر ایک ایسا طرز حکومت تھا جو کہ پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی تھی تقریباً ایک لحاظ سے، اور کچھ چیزیں ان کی بہت مشہور ہیں جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ وہ لڑائیاں کروایا کرتے گلیڈیٹرز کی، جس پہ کچھ موویز بھی بن چکی ہیں، اور وہاں پہ مالکان کو خوش کرنے کے لیے ان کی تفریح کا باعث بنتے ہوئے کچھ لوگ اپنی جان کی بازی تک ہار دیا کرتے تھے۔ پومپے شہر اس حوالے سے بہت مشہور ہے، جہاں پہ ایک مشہور زمانہ ارینا تھا جہاں پہ لوگ
लोग लड़ा करते थे। इसके हवाले से एक और बात पॉम्पे शहर जो बड़ी अहम है वो ये है कि इस पहाड़ के बिल्कुल पास एक ऐसा आतिशफशां पहाड़ था जिसे वेसुवियस के नाम से जाना जाता है, और इस पहाड़ से सन 79 में एक ऐसा आतिशफशां मादा निकला जो कि पॉम्पे समेत 3 और शहरों को अपनी लपेट में ले गया और उस शहर की तमाम, वहाँ के लोग, वहाँ की इमारतें, वहाँ की तमाम सकाफत को राख के ढेर में तब्दील कर गया। जब आतिशफशां पहाड़ से ये जो लावा निकला, तकरीबन 33 किलोमीटर उसकी हाइट थी और 1000 के करीब लोगों को, जिनकी तादाद अभी भी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं है, 1000 लोग लुकमाए अजल बन गए। और उसके बाद सन 79 के बाद 1944 में आखिरी मरतबा इस पहाड़ से दोबारा लावा निकला और कुछ नुकसान का बायस भी बना, और इस हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन इलाकों में ये इटली का इलाका शुमार किया जाता है, जहाँ पे तकरीबन इस पहाड़ के नज़दीक 30 लाख लोग रहते हैं और कभी भी दोबारा 1944 या 79 जैसा वाक़या दोबारा हो सकता है और लोगों की ज़िंदगियाँ बेसिकली बहुत ख़तरे में हैं। जी हाँ, और इस हवाले से मज़ीद आपको बताएंगे कि आतिशफशां की जद में आने वाले कदीम रोम के शहर पोम्पे के खंडरात पर काम करने वाले माहरीन सारे कदीमा का कहना है कि इन्हें खुदाई के दौरान जादुई नवादरात का एक ख़जाना मिला है जिसमें आईने और शीशे के मोतियों की माला और इस जैसी बहुत सारी और अशिया भी मिली हैं। पोम्पे के डायरेक्टर का कहना है कि दरियाफ्त होने वाले नवादरात में ज़्यादातर अशिया खवातीन के इस्तेमाल की हैं जिसमें मकान की खुदाई करके ये ख़जाना हासिल किया गया है। इसके एक कमरे से 10 अफराद की नौशें भी मिली हैं जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का एक और अहम कारनामा जो कि खंडरात पे रिसर्च करते हैं और तारीख के अवराक में वो देखना चाहते हैं कि लोगों की सकाफत क्या थी, वो लोग रहते किस तरह से, और इन तमाम जो उनको चीज़ें मिली हैं उसके मुताबिक उनका ये भी कहना है कि ये शायद किसी मुलाजिम की चीज़ें होगी क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ सोने की नहीं, और एक लकड़ी के संदूक में ये बंद थी लेकिन चूंकि इतना अर्सा हो चुका है वो लकड़ी जो थी वो ख़त्म हो चुकी, लेकिन तांबे के जो संदूक की चीज़ें थी वो बाकी हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो चीज़ें हैं ये किसी गुलाम या किसी मुलाजिम की थी। लेकिन उसके बावजूद ये बात है कि वो लोग इंतहाई सिविलाइज्ड भी थे, जिस तरह मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो 5000 साल पुरानी एक सकाफत, लेकिन इसके बावजूद वो आजकल के ज़माने से हम आहंग थे। क्यों शादी? बिल्कुल ऐसा तो आप सोचें कि आपको लगे कि यार आज से 5000 साल पहले भी लोगों के पास, लोगों को पता था कि हमने बर्तन कैसे बनाने हैं, आज के बाद उनको नालियों का सिस्टम, उनके पास जो उनकी थी सकाफत, उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो बड़ा बेहतरीन था। और बेहतरीन की वजह भी ये है ना कि तब के लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा सिविलाइज्ड होते थे, और अब भी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अब ये हो गया कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी सकाफत के बारे में सोचें, अपने हेरिटेज के बारे में सोचें, या वो तमाम पुरानी चीज़ों को अब दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। एक चीज़ अभी भी वैसी है कि हम आज भी हम लोग जो है वो तवीज़ धागों पर बिलीव करते हैं, और आज से जो ये पॉम्पे 79 तकरीबन नहीं तो आप आज ये 21वीं सदी और आज से 2100 साल पहले भी लोग तवीज़ गंडों को खैर बरकत के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, वो उसका एक्सटेंट कम हो गया ना, अब तवीज़ दागों की अब बात करें तो वो परसेंटेज बड़ी कम हो गया, बहुत कम लोग हैं जो कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। तो क्योंकि लोग अब एजुकेशन को इसके साथ रिलेट कर देते हैं कि जो बंदा एजुकेटेड होगा वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन सुपरस्टिशियस चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करेगा। बहुत बड़ी तादाद है हमारे बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, जो कि चीज़ों को बिलीव करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हमें इन तमाम चीज़ों से सबक हासिल करना, हमें ये देखना है कि वो क्या अवामिल थे जो कि, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये खुदा का अजाब था इन लोगों पर, क्योंकि ये जाहिर किसी हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे मजालिम में या तर्ज हुक्मरानी में, या नाइंसाफी वहाँ पे इतनी ज़्यादा थी कि एक खास तबका उमरा का और कुछ गुलाम, और गुलाम भी ऐसे कि जिनसे इंसानियत सो सलूक किया जाता था। तो मे बी इस तरह की अगर सूरत हाल हमारे मुआशरे में भी अगर पनप रही है तो हमें इस बात को सोचना है कि क्या हम भी इस तरह के अजाब इलाही का शिकार हो सकते हैं, या हमें अपने आप को ठीक करना है ताकि हम भी खुदा की खुशनुदी का सबब बने, ना कि हम लोगों को तकलीफ पहुँचाएं। एब्सोल्युटली। और नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हुआ जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मोइन अहमद को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन उससे पहले यूट्यूब का चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रोग्राम को देखने के लिए, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से ब्राइट स्टार टीवी के नाम से। नाज़रीन, बहुत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।